नमस्कार, मैं विशाल। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। देखिए, आप घर से जब निकलते हो, हर रोज जब घर से निकलते हो, तो आप घर से निकलकर जब तक स्कूल को जाते हो तो आप कौन कौन से पेड़ देखते हो, जरा सोचिए। या फिर किसी भी जगह आप जब जाते हो तब रास्ते पर कौन कौन से पेड़ अभी तक आपको नज़र आए हैं। या फिर चलिए ये सोचेंगे कि कौन से फलों का स्वाद कैसा है। देखिए, आम का स्वाद कैसा है, मीठा है। कच्चे आम का स्वाद कैसा है, खट्टा है। इमली का स्वाद उससे भी खट्टा है। तो देखिए, आपने जो कुछ भी अभी चीजें जो सोची है वो आपके स्वयं के पूर्वानुभव से वो जो चीज़ें हैं, वो जो थिंकिंग है वो आपने इकट्ठा करके ये चीज़ें जो है वो सोची है। कुछ इसी प्रकार से अनुभवात्मक टीचिंग के तौर पर हम कुछ अलग सा नवाचार आज सीखेंगे। नमस्कार, मैं विशाल शेयर विंडो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शेयर विंडो सोसाइटी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार में काम करती है। ZIIEI यानी जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव। तो हम इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से नवाचार से अपने पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है वो कैसे पढ़ाते हैं इसकी हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए, हम चौथी कक्षा का जो पाठ है जिसका नाम है किरमिच की गेंद, इसका एक अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है वो हम अनुभवात्मक तरीके से नवाचार जो है उससे हम ये पाठ जो है वो सीखेंगे। देखिए, इस नवाचार की नवीनता जो है वो ये है कि बच्चों को स्वयं अध्ययन करने के लिए सिखाना, या फिर बच्चों को स्वयं अध्ययन करने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है ये सिखाना। ठीक है, इस नवाचार में नवाचार की जो प्रक्रिया है वो क्रियान्वयन करते समय हम संज्ञा, विशेषण, क्रिया और फिर शब्दावली और फिर सर्वनाम, ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर हम गौर करेंगे। देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट पर हम फोकस करेंगे, तो उसका पूर्व प्रबंधन करने के लिए हमें चित्रों के कार्ड शीट जो है वो लगेंगे। जैसे बहुत सारे खेलों के जो चित्र जो रहते हैं, खेलों की जो सामग्री है उसके जो चित्र हैं, जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैट है, हॉकी है, या फिर किरमिच की गेंद है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें कार्डशीट के तौर पर पहले पूर्वानुबंध के तौर पर हमें इकट्ठा करनी है। फिर बाद में हमें बच्चों को आत्म जागरूक करने के लिए सवाल पूछने हैं। देखिए, ये नवाचार स्टार्ट होता है बच्चों को आत्म जागरूक करने पर हम सवाल पूछते हैं। जैसे कि ये सवाल है, आप सभी खेलना पसंद करते हो? तो बच्चों को ये सवाल पूछने के बाद आंसर क्या आएगा? हाँ आएगा। तो हम उनको ये प्रश्न पूछने के बाद ये पूछेंगे, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो? तो बहुत सारे आंसर आएंगे, ये वो ऐसा वैसा, ऐसे बहुत सारे आंसर आएंगे। तो ये सारे आंसर हमें क्या करने हैं, ग्रहण करने हैं। और फिर बाद में हम उनसे पूछेंगे कि आप जो खेल खेलना पसंद करते हो उसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी। तो देखिए, बच्चे आत्म जागरूकता के तौर पर, आप अपने पूर्वानुभव के तौर पर वो ये सोचेंगे कि देखिए, हमने आज तक कौन कौन से खेल खेले हैं, उसमें से कौन से खेल हमें पसंद है और उसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री लगती है। देखिए, बच्चों की विचार शक्ति जो है वो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, और उनको प्रेरित करेंगे, और उनको सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। कैसे? उनको उनकी आँखों पर पट्टी बांधेंगे, या फिर उनको आँखें बंद करने के लिए बोलेंगे, और आँखें बंद करने के लिए बोलकर क्या करेंगे, हमने जो गेंद इकट्ठा की है, देखिए जैसे हमने फुटबॉल, बास्केटबॉल, या फिर वॉलीबॉल, या फिर क्रिकेट की गेंद, टेनिस बॉल, ऐसी बहुत सारी गेंदें जो हैं जो हमारे खेल की सामग्री में स्कूल में विद्यालय में जो है उपलब्ध होती है, तो उनको छूने के लिए बोलेंगे। तो छू कर जब वो महसूस करेंगे कि ये गेंद कौन सी है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये बड़ी गेंद है तो ये फुटबॉल है, ये छोटी गेंद है तो ये टेनिस बॉल है, ऐसे वो क्या करेंगे, महसूस करेंगे। उसी प्रकार उनकी आँखों पर जब पट्टी बंधी है तो उनको हम बोलेंगे कि देखिए,
अब अपनी आंखें जब आप बंद किए हो, बंद है, तब मैं क्या करूँगा, आपके सामने फर्श पर उसी गेंद का टिप्पा जो है वो मारूंगा। तो टिप्पा मारने के बाद आपको टिप्पे की आवाज़ जो है वो सुनकर आपको ये पहचानना है कि ये गेंद कौन सी है। तो देखिए, हर एक गेंद का टिप्पा जो है उनके सामने हमें उनको सुनाना है और उनको एक महसूस करवाना है कि ये कौन से गेंद का टिप्पा हो सकता है। ये महसूस करवाने के बाद उनको ये भी बोलना है कि देखिए, आपने टिप्पे की आवाज़ तो अभी महसूस की है, लेकिन टिप्पे के अलावा अपने इर्द गिर्द अपने आसपास की सारी आवाज़ें जो है उसको महसूस कीजिए और उनको सुनकर पहचानने की कोशिश कीजिए, ये जो आवाज़ है ये कौन से गाड़ी की है, ये दुपहिए की आवाज़ है, तीन पहिए की आवाज़ है, बस की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है। तो ये वो क्या करेंगे, ये सोचेंगे। देखिए, ये विचार शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछेंगे। फिर हम उनको अपनी आँखें जो है वो खोलने के लिए कहेंगे और आँखें खोलने के बाद उनको ये बताएंगे कि देखिए बच्चों, अपने आप ही जो कुछ भी चीज़ें महसूस की वो बिल्कुल ही सही थी। आपने जो गेंदों का टिप्पा महसूस किया या फिर छू कर जिस गेंद को पहचानने की कोशिश की वो बहुत ही अच्छी की। तो वो जो है वो सारी गेंदों के बारे में हम उनको जानकारी देंगे, लेकिन ज़्यादा फुली फोकस एरिया कौन सा रखेंगे कि किरमिज की गेंद पर रखेंगे और उनको ये बोलेंगे कि किरमिज की जो गेंद है ये किससे बनती है, ये कपड़े से बनती है, और इस कपड़े से और क्या क्या बन सकता है। तो इसका जो कपड़ा है उससे हम तंबू बना सकते हैं, फिर किसी मंडप की छत बना सकते हैं, या फिर जूते बना सकते हैं, या फिर चित्रकारिता के लिए जो कुछ भी कैनवस यूज़ होता है वो कैनवस जो है वो भी इसी कपड़े से बनाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी देने के बाद हम उनको बोलेंगे कि देखिए बच्चों, अभी आपको एक स्वयं अनुभव करना है, तो इसके लिए मैं कुछ सवाल पूछूंगा। जैसे, आप कौन कौन सी गेंद से खेलना पसंद करते हो, तो बहुत सारे जवाब आएंगे। फिर उनको पूछेंगे कि देखिए बच्चों, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें सिर्फ गेंद इस्तेमाल होती है। तो बच्चे सोचेंगे और बोलेंगे कि फुटबॉल, या फिर बास्केटबॉल, या फिर वॉलीबॉल, इसमें सिर्फ गेंद इस्तेमाल होती है। फिर हम पूछेंगे कि देखिए बच्चों, कि गेंद के साथ और कोई चीज़ इस्तेमाल होने वाले खेल कौन कौन से हैं। तो बच्चे सोचेंगे और बताएंगे कि देखिए, क्रिकेट में बल्ला और गेंद इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही टेनिस, लॉन्ग टेनिस या टेबल टेनिस, हाँ तो वो इस्तेमाल करते हैं। फिर हॉकी में हॉकी स्टिक और गेंद जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आंसर जो है वो आएंगे। तब हम उनको पूछेंगे कि देखिए, किरमिज की जो गेंद है उससे कौन सा खेल हम खेल सकते हैं। तो सारे बच्चों का आंसर क्या आएगा कि क्रिकेट, ये जो गेम है वो हम खेल सकते हैं। फिर हम बच्चों को बताएंगे कि देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, अभी खेल खेलने के लिए हम मैदान में या बगीचे में जाएंगे। तो बच्चे सारे खुश हो जाएंगे, तो हम मैदान में या बगीचे में जाकर उनको खेल खेलने के लिए बोलेंगे। वो बच्चे बहुत ज़्यादा उछल कूद करेंगे, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे, बाहर जाकर बच्चे बगीचे में खेल खेलेंगे। और बाहर जाकर जब बच्चे बगीचे में खेल खेल रहे हैं तो उनको आपको खुला छोड़ देना है, और फिर बाद में जब खेल समाप्त करके हम कक्षा में आएंगे तो बच्चों को हम सवाल बगीचे के बारे में या मैदान के बारे में पूछेंगे। जैसे, आपने बगीचे में क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। तो बच्चे सोचेंगे, अरे अभी तो हम कक्षा में आए हैं और मास्टर जी हमें बगीचे के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो बच्चे और ज़्यादा आत्म जागरूक हो जाएंगे और वो बोलने लगेंगे, वो आत्मविश्वास से जवाब देने लगेंगे। जैसे, हमने मास्टर जी पेड़ देखे, फूल देखे, पंछी देखे, फिर बादल देखे, और फिर गाड़ियाँ देखी, फिर मकान देखे, ये देखे, वो देखे, वो सारे जो है वो क्या करेंगे, आंसर देंगे। फिर हमें उनको बताना है कि देखिए, हम इसमें से कौन कौन सी चीज़ें
जो है वो ज़्यादा नज़दीकी से महसूस की है। जैसे हमने उनको उधर पूछा कि आपने पेड़ देखे क्या था, तो वो बोलेंगे हाँ। तो देखिए हमें उनको पूछना है कि पेड़ और पौधे में फ़र्क क्या है, पेड़ और पौधे में फ़र्क क्या है। फिर हम और उनको सवाल पूछेंगे पेड़ का तना और पेड़ की डाली, इसमें क्या क्या फ़र्क होता है। तो ऐसे जब हम सवाल पूछेंगे तो बच्चे और ज़्यादा आत्म जागरूक हो जाएंगे। फिर हम उनको विशेषण के बारे में पूछेंगे। जैसे देखिए खेल खेलते वक्त आपकी गेंद गुम हो गई थी ना, तो बच्चे बोलेंगे हाँ। तो आपने क्या किया, हमने सबने मिलके उस गेंद को ढूंढा, उस गेंद को खोज निकाला। तो देखिए हम उनको सवाल पूछेंगे, देखिए बच्चों अगर आपकी कोई चीज़ आपकी कक्षा में या आपके घर में अगर गुम हो गई और आपके जो साथी हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं, उनके साथ मिलकर अगर आपको उस चीज़ को ढूंढना है, तो आप आपके दोस्तों के साथ क्या डिस्कशन करोगे, उस चीज़ के बारे में आप उनको क्या कहोगे। तो आप उस चीज़ की विशेषताओं के बारे में उनको कहोगे, और इस विशेषताओं से भरी चीज़ कोई मिली तो वो चीज़ ये हो सकती है क्या, ये आप क्या करोगे तो पूछेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम उनको कहेंगे। तो देखिए हम अभी उनको विशेषण के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे फल, जब हमने उनको पूछा कि फलों का स्वाद कैसे होता है, तो वो बोलेंगे कौन से फलों का स्वाद, तो हम बोलेंगे आम का स्वाद मीठा, इमली का स्वाद खट्टा। तो ये जो है वो मीठा या खट्टा ये विशेषण है, ये हम उनको बताएंगे। या फिर ये बोलेंगे कि हर एक गेंद कौन से आकार की होती है, तो वो बोलेंगे गोल, तो हम बोलेंगे ये उसका विशेषण है। जैसे हम उनको पूछेंगे कि किरमिच की गेंद कौन कौन से, अभी जो किरमिच की गेंद है उसका रंग कौन सा है, तो वो बोलेंगे लाल। तो हम उनको पूछेंगे कि देखिए किरमिच की गेंद का कलर और कौन कौन सा हो सकता है, तो वो बोलेंगे लाल, पीला, हरा, नीला। तो हम उनको बोलेंगे कि देखिए यही क्या है, उस चीज़ के बारे में विशेषण है। तो देखिए ये सारी चीज़ें बताने के बाद हमें उनको सर्वनाम पर लाना है। जैसे हमें उनको बोलना है कि देखिए बच्चों अगर आपके पास एक गाड़ी है और उसके दो पहिए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सी गाड़ी, दुपहिया। या फिर ये देखिए अगर कोई झंडा है और झंडे में तीन तरह के रंग है, तो उस झंडे को हम क्या बोलेंगे, तिरंगा। या फिर बच्चों को पूछेंगे देखिए अगर चार रास्ते या चार राहें एक जगह मिल रही है, तो उन राहों को उस जगह को हम क्या कहेंगे, तो चौराहा। तो देखिए चौराहा यानी चार राहें एक इकट्ठा आने वाली जगह। और उसी प्रकार से हम उनको पूछेंगे अगर कोई मकान है उसकी मंजिल 1, 2 और 3 है, तीन मंजिला मकान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि तीन मंजिली मकान। तो ऐसे हम उनको सर्वनाम के बारे में भी जानकारी दे देंगे, और बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ वो सारे जवाब जो है वो देते चले जाएंगे। फिर हमें उनको क्रिया के बारे में बताना है, हमें अब क्या बताना है उनको क्रिया के बारे में। तो हम उनको पूछेंगे कि देखिए आपको क्रिकेट ये खेल पसंद है, तो क्या मुझे आप बता सकते हो गेंदबाज जब क्रिकेट खेलता है गेंदबाज क्या करता है, बॉल या गेंद फेंकता है। फिर बाद में बल्लेबाज क्रिकेट में क्या करता है, चौका मारता है, छक्का मारता है, या फिर रन के लिए दौड़ता है, या फिर रन निकालता है। तो ये मारना, दौड़ना, भागना, खेलना, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार हम उनको संज्ञा, विशेषण, क्रिया और फिर बाद में सर्वनाम, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो देंगे। और ये सारी की सारी जानकारी उनको उनके
पूर्वानुभव के साथ उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे। देखिए ऐसे संज्ञा क्रिया विशेषण शब्दावली और सर्वनाम इत्यादि सारे कंसेप्ट हम उनको अनुभवात्मक रूप से बताएंगे और इस पाठ को सिखाने के लिए आरंभ करेंगे किरमिच की गेंद। देखिए आप ये वीडियो अगर YouTube पर देख रहे हो तो हमारा जो YouTube चैनल है तो उसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये जो वीडियो है वो Facebook पर देख रहे हो तो इस Facebook पेज पर Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।